स्वरूप जी, ये जो आलू की खेती आप कर रहे हैं, इसमें कौन भिजवा रहा है इसको? सर ये कंपनी दे टाइप कर रखा हमने, ठीक है, तो वो हमें भिजवा रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या फ़ायदा है किसानों के लिए, ये लाभदायक है खेती? हाँ सर, किसानों के लिए बहुत लाभदायक है जी। और मैं सजेशन देता हूँ भी हर किसान को, अगर इसके पास 10 एकड़ मान लो अपनी ज़मीन है, तो उसको कम से कम 2 या 3 एकड़ एक बार इसकी खेती जरूर करके देखनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ये एक क्या अलग किस्म के आलू हैं या जो सब्जी के लिए उपयोग होते हैं वही हैं? नहीं सर, ये सब्जी के लिए भी उपयोग हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लोग इसको चिप्स के लिए, जैसे बच्चों के लिए कुरकुरे वगैरह या चिप्स वगैरह आप खाते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो जो सामान्य आलू है वो मंडियों में पिछली कई वर्षों से इस तरह देखने को मिला था कि किसानों को मंडियों में फेंकने पड़े थे आलू। हाँ जी सर, उसमें सर क्या होता है, वो सर ये जो आलू है इसका हमने कंपनी के साथ टैप कर रखा है। ओके, तो सर उसमें क्या है, कंपनी हमसे 125 रुपये के हिसाब से आलू हमसे ले जाते हैं सर। ओके, ठीक है सर। और जो सर आप मंडियों वाली बात कर सकते हैं, उसमें क्या होता है सर, वो अपना रेगुलर आम आलू होता है जो आप सब्जी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सर उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए वो सर मान लो मंडियों में इसलिए फेंकना पड़ जाता है भी, बाय द वे उसका रेट कम हो जाए जी। अब आप देखोगे सर पिछले साल कई सालों में जो अपना चिट्टा आलू बोलते हैं आप उसको जी, वो सर अपने मंडियों में बुरी हालत में अपने को फेंकना पड़ा था जी, क्योंकि उसका कॉस्ट नहीं मिल रहा था हमें जी। वो 1-2 रुपये उसका मान लो अपने को मिल रहे थे जी, लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट लागत थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। हाँ, तो इसमें सर ऐसा नहीं है, ये 125 रुपये जैसे कंपनी वाले हमसे लेके जाएंगे जी। और कंपनी वालों को एक साइज हमें बता रखा है सर भी, उससे साइज का जो आलू होएगा वो 125 रुपये होएगा, और उस साइज के जो छोटा था छोटे होएगा वो बाद में कंपनी डिसाइड करती है भी हम वो आलू किस रेट खरीदें। ठीक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो अदर किसान हैं, क्या इससे डबल क्रॉप भी की जा सकती है? हाँ जी सर, सर अपा एक साल में अगर अपा मान लो रेगुलर में 2 फसलें उठाते हैं जी, इसमें अपा 3 फसलें उठा सकते हैं। अच्छा। जैसे सर अभी कणक के टाइम में आप उस एकड़ में आलू लगा दो जी, आलू लगाने के बाद उसके आगे आप कुछ भी बीज सकते हो, मक्की बीज सकते हो सर, या पेठे की मान लो सब्जी लगा सकते हो, जो करीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर जो कम्प्लीट हो जाए तो वो आप लगा सकते हो। तो कहने का ये है कि किसान ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है इसमें? हाँ जी सर बिल्कुल, अन्य फसलों से फसल चक्र एक वैसे प्रणाली है कि उसमें करना ही चाहिए किसानों को, क्योंकि फसल चक्र अगर बना रहेगा तो फसल की जो है उर्वरकता भी बनी रहेगी। हाँ जी, सब कुछ बनी रहेगी जी। तो जो युवा किसान हैं उनके लिए कोई क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा किसान के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर इसमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है जी, और मेरे ख्याल से एक बार सबको बीज के देखने चाहिए। सर जो ज़्यादातर आजकल युवा है वो शहर की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादातर मतलब किसान के बेटे भी हैं वो भी किसी काम धंधे नौकरियों की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसानों को ये काम ज़्यादा करना चाहिए या नौकरी की तरफ जाना चाहिए? तो सर उसमें क्या है सर, मैं आपकी बात से सजेशन दूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आज शहर की तरफ काफ़ी जा रहे हैं, उसमें क्या है सर, उसमें अलग अलग जैसे अब इसमें सर मैं आपको बता दूँ एक मोटी मोटी बात, इसमें सर मान लो मैंने जब ये चालू किया बीज ने, इसमें मेरे को करीबन 30 से 35 हज़ार रुपये एक बार खर्चा है। ओके, ठीक है सर, प्रति एकड़? हाँ प्रत्येक एकड़, प्रत्येक एकड़ में 35 से 30 हज़ार रुपये इसकी मान लो खर्चा, और इसकी ये करीबन 150 से लेके 180 टन तक, ओके, डेढ़ सौ से लेके 180 क्वांटल तक ये निकल सकते हैं एक एकड़ में जी, एक एकड़ में सर निकलते हैं। उसके बाद आप अगली जो फसल करेंगे जी, वो आप पेठा लगा लो या मक्की लगा लो जी, उसमें क्या होगा, उसकी जितनी अपने को प्रॉफिट आएगी इस आलू में जो अपन ने मान लो लागत की है जी, जो अपनी मान लो आप लगा लो अभी जो खर्चा हुआ है अपना जी, ठीक है, इस आलू पे, तो वो अगले वाली फसल इस आलू का खर्चा निकाल देगी, मतलब नो उसमें कोई नुकसान नहीं है? नहीं, नुकसान नहीं है। अगर करीबन ये 90 से लेके 1 लाख तक एक एकड़ में जी, करीबन इसका जो अपने को कुल लागत है वो निकलती है, जो अपना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकलता है। हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। हाँ जी, ठीक है, और तो समय भी कम लगा लो, ये मेरे को 3 महीने की फसल है सर जी, 3 महीने में अपने को मान लो 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, प्रति तो आप शहर की तरफ चाहे कहीं भी कोई भी जॉब ले सकते हैं, आप नहीं कमा सकते जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।